तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में नीरज सिंह फाउंडेशन बेसहारा लोगों के लिए एक सहारा बनकर उभर रहा है। तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे पहुंचे हैं जो नीरज सिंह फाउंडेशन के तरफ से लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर पूजा सामग्री का वितरण किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा दे, तस्वीरें आप देख लीजिए कि यहाँ से पैकिंग किया जा रहा है और पूजा सामग्री की जो है वो वितरण की जा रही है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा आज से नहाए खाए के साथ आज शुरुआत हो चुकी है और इसी में हम आपको बता दें कि नीरज सिंह फाउंडेशन के द्वारा कहीं ना कहीं एक सहारे के तौर पर ये उभरने के काम कर रही है और लोगों को पूजा सामग्री का जो है वो वितरण किया जा रहा है। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं, जहाँ तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है तमाम वो तस्वीरें हम वो कैद कर रहे हैं और तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। पूजा की तमाम जो सामग्रियाँ है, एक एक चीज जो होती है, वो तमाम चीजें इस बैग में रखी हुई है और यहाँ खुद सारी सामग्री के साथ यहाँ खुद उनके पैतृक आवास पर यहाँ पैकिंग किया जा रहा है। उनके द्वारा वही बताया है लोगों को पूजा का जो समाग है वो वितरण किया जा रहा है। तमाम जो जिले में जितने भी गांव है तमाम लोगों तक नीरज सिंह फाउंडेशन के द्वारा ये जो पूजा का सामग्री है वो वितरण किया जा रहा है। तो हम बातचीत भी कर लेंगे कहाँ जी वितरण हो रहा है जी। पहले तो छठ का हार्दिक शुभकामनाएं हैं सभी दर्शकों को आपके और पूरा सीवर जिला वासियों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरा इसे लगभग 5-6 साल से मेरा ये कार्यक्रम छठ में चलता है। इस साल थोड़ा बिना दूर से लगभग 15,000 की हमने बनाया है। इस में एक मतलब अच्छे क्वालिटी का साड़ी, नारियल, मैदा, गुड़ और आटा उसमें रख के और प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी जिले वासी हैं वहाँ तक पहुँच जाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी माता जी भी हैं, सब लोग जितने लोग हैं सब लोग के सहयोग से जी बिल्कुल। बहुत ऐसी जगह हमारी ये सहायता पहुंची है कि दिल को छू जाने वाली बात हो। एक जगह ऐसी जगह गया है कि माता जी बोल रही थी कि अभी तक हमारे घर में कुछ नहीं था, कुछ नहीं लगा हुआ है सर, लेकिन आप लोग कैसे आ गए हमारे यहाँ और लगभग 15 गाड़ियाँ हमारी चल रही है जो हर गांव में लगभग 60 को पहुँचा रहे हैं, वहाँ तक गरीब से गरीब लोगों तक पहुँचा है। और ये मुहिम जो हमारा है नीरज सिंह फाउंडेशन के हिसाब से लगभग 3-4 साल 5 साल ये चल रही है और आगे भी नहीं लगभग। धन्यवाद। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार 5 वर्षों से लगातार कई वर्षों से ये कार्यक्रम जो है गरीब असहाय लोगों के लिए यहाँ पर पूजा सामग्री का जो है वो लगातार वितरण किया जा रहा है। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमने बातचीत किया तो उन्होंने क्या कहा कि इस महंगाई के दौर में और आर्थिक रूप से ये पूजा सामग्री का वितरण करना ये कहीं ना कहीं जो यहाँ पर पैकिंग हो रहा है जो पूजा का सामग्री उसकी तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि हजारों पैकेट जो है यहाँ पर पैकिंग हो रहा है और तमाम आपके क्षेत्र आपके गांव में यहाँ से नीरज सिंह फाउंडेशन के द्वारा ये पैकेट यहाँ से वितरण किया जा रहा है, गाड़ियों से पहुँचाया जा रहा है, तमाम गाँव में डोर टू डोर 50 पैकेट का वितरण किया जा रहा है। जो तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मैदा है, ये तमाम चीजें यहाँ पर देख सकते हैं कि जो छठ में जो यूज होने वाली जो सामान है आप देख सकते हैं, यहाँ पर साड़ी भी रखा हुआ है, साड़ी जो है यहाँ पर पैकिंग हो रहा है और यहाँ से तमाम जो चीजें है यहाँ से लोगों तक पहुँच रहे हैं। कुछ महिलाओं से यहाँ छठ पूजा का सामान भी पैकेट में रख दिया जा रहा है, क्या कहना चाहिए उनको? आशीर्वाद है। आप क्या कहना चाहिए इस महंगाई के दौर में वो लोग आप लोग को इतना मदद कर रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कि लोगों का क्या कहना है, उनके माता श्री है उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। आपका पुत्र आपका बेटा गरीबों के लिए एक सहारा के तौर पर उभर रहा है, इस छठ में लोगों का मदद कर रहा है, क्या कहना चाहिएगा अपने बेटे के बारे में? बेटे के बारे में कहना चाहते हैं हमने बातचीत किया है महिलाओं से, उनका कहना है कि आप देख सकते हैं कि तस्वीरें उनकी माता श्री का क्या क्या कहना है कि हमारा पुत्र हर साल ऐसे ही जो गरीब असहाय जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं उन पर उनको मदद किया जाता है। तो लगातार तस्वीरों के साथ हम अपने साथ बने हुए हैं। शिवर से आकीम रजा की रिपोर्ट।
वो नहीं है। पंडित जी आप कहाँ गए हुए हैं?